hello students myself rita sharma from today i will take your english class so today i have taken topic from your practice book that is pronouns this is unit 3 of your practice book as i know you have already done unit 1 and unit 2 so today i have taken unit 3 pronouns pronouns जिसे हिंदी में हम बोलते हैं सर्वनाम फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड वट इज़ प्रोनाउन अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन सर्वनाम ऐसा शब्द है या ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा नाउन की जगह यूज़ होते हैं नाउन बेटा आपने यूनिट वन नाउन से रिलेटेड है तो आपको मैम ने इसके बारे में बताया होगा कि द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड नाउन तो जो शब्द संज्ञा नाउन की जगह यूज़ होते हैं उन्हें हम प्रो नाउन कहते हैं और हिंदी में हम इन्हें सर्व नाम कहते हैं एग्जाम्पल क्या है इसके आई वी यू दे शी ही अब आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें आई का मतलब होता है मैं जब मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ या जब आप अपने इंडिविजुअल बात कर रहे हैं तो आप आई यूज़ करेंगे वी होता है जब मोर देन वन पर्सन जब एक से ज़्यादा लोग हैं दो से ज़्यादा लोग हैं थ्री फोर फाइव ग्रुप में लोग हैं तो जब हम सबकी बात करते हैं तो हम वी यूज़ करते हैं जब हम सब की बात कर रहे हैं वी का मतलब होता है हम और जब हम ज़्यादा लोग हैं तो हम मतलब हम सब हो गए देन वी यूज़ वी यू यू आपके बारे में आप सिंगल हैं उसके लिए भी यू हो सकता है और अगर आप प्लूरल में हैं तो भी आपके लिए यूज़ हो सक यू यूज़ हो सकता है अगर मैं कहती हूँ वट आर यू डूइंग तो ये आप आपके इंडिविजुअल के लिए भी हो सकता है और ये मैं पूरी क्लास के लिए भी बोल सकती हूँ पूरी क्लास को भी कह सकती हूँ वट आर यू डूइंग कि आप पूरी क्लास क्या कर रहे हो तो यू कैन बी यूज़ इन सिंगुलर एज़ वेल एज इन प्लूरल अब दे।, दे का मतलब होता है हिंदी में वे वे सब जब कोई हमसे दूर है या कोई हमारे सामने नहीं है तो जब हम उनके बारे में बात करते हैं कि वे फुटबॉल खेल रहे हैं वे मतलब वो भी एक से ज़्यादा हैं दो हैं या तीन हैं या चार हैं वे हो गए वो तो हम कहेंगे वे फुटबॉल खेल रहे हैं वे गाना गा रहे हैं वे सब नाच रहे हैं तो यहाँ हम दे यूज़ करते हैं ध्यान रहे वी होता है हम सब के लिए और दे होता है उन सब के लिए मतलब दे आर नॉट विद अस ठीक है शी यूज़ होता है गर्ल के लिए वुमेन के लिए किसी लड़की के लिए या किसी लेडी के लिए हम शी यूज़ करते हैं ही यूज़ होता है मेल के लिए मेल का मतलब जैसे हिंदी में आप करते हैं ना पुलिंग और स्त्रीलिंग मेल होता है पुलिंग और स्त्रीलिंग होता है फीमेल तो फीमेल के लिए हम शी यूज़ करते हैं और मेल के लिए हम ही यूज़ करते हैं तो बेटा इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है आपको पता होना चाहिए आई का मतलब क्या होता है वी का मतलब क्या होता है यू का मतलब क्या होता है दे शी ही इट भी आता है प्रनाउन में इट हम यूज़ करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए किसी पेट एनिमल के लिए वह हम इट का यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो प्रोनाउन क्या है टू अवॉइड रिपीटिंग नाउंस जब हम नाउन्स को बार बार यूज़ नहीं करना चाहते हम चाहते हैं कि नाउन क्या हुआ मान लीजिए आपका नाम कविता है हम कहते हैं कविता एक अच्छी लड़की है कविता क्लास में फर्स्ट आती है कविता डेली होमवर्क करती है हम बार बार क्या कर रहे हैं कविता कविता यूज़ कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग कविता अगेन एंड अगेन वी विल यूज़ इन द प्लेस ऑफ कविता शी बिकॉज़ कविता इज़ अ गर्ल तो हम वहाँ पर शी यूज़ करेंगे शी क्या है प्रोनाउन है तो बार बार हम नाउन नाउन क्या होता है नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग कविता एक पर्सन का नाम है तो हम बार बार कविता यूज़ करने की बजाय हम क्या करेंगे उसकी जगह शी यूज़ करेंगे प्रोनाउन यूज़ करेंगे और क्या होता है रिपीटिंग नाउन्स मेक सेंटेंसेस कम्बरसम एंड कॉम्प्लेक्स बार बार जब हम नाउन यूज़ कर रहे हैं बार बार हम कविता कविता बोल रहे हैं तो ये बोरिंग सा भी लगता है हमें कि बार बार कविता कविता बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं और ये थोड़ा मुश्किल भी लगता है कम्बरसम इट इज़ अ न्यू वर्ड फॉर यू इसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट कम्बरसम मीन्स डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स बोथ हैव द सेम मीनिंग ठीक है बेटा तो बार बार डाउन को रिपीट करने के लिए सेंटेंस क्या हो जाते हैं डिफिकल्ट बन जाते हैं तो उस डिफ़िकल्टी से हमें बचने के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं लेटेस्ट टेक एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउंस रुचि वॉट द बुक बिकज़ रुचि वॉन्टेड टू रीड इट अब हमने क्या किया है कि रुचि ने किताब खरीदी क्योंकि रुचि से पढ़ना चाहती थी हमने फिर क्या किया बिक के बाद फिर हमने रुचि यूज़ कर लिया तो यूजिंग प्रोनाउन जब हम प्रोनाउन को यू प्रोनाउन को यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे रुचि बॉट द बुक बिकज़ शी वॉन्टेड टू रीड इट रुचि इज़ अ गर्ल दैट्स वाई वी आर यूजिंग शी इन प्लेस ऑफ रुचि तो हमने यहाँ पर नाउन को यूज़ किया शी राहुल इज एब्सेंट बिकॉज राहुल इज इल अब राहुल एब्सेंट है क्योंकि राहुल बीमार है अब यहाँ पर हमें क्या करना है प्रोनाउन को यूज़ करना है राहुल यू ऑल नो इट्स अ नेम ऑफ ए बॉय तो राहुल इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल तो हमने दोबारा इसको रिपीट करने की बजाय राहुल को हमने वहाँ पर प्रोनाउन यूज़ किया क्या प्रोनाउन यूज़ किया ही ठीक है दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउन कि हमने प्रोनाउन को कैसे और कहाँ यूज़ किया नाउ वी कम टू टाइप्स ऑफ प्रोनाउन प्रोनाउन के टाइप्स देखिए देखिए यहाँ पर टाइप्स हैं प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउन पोजेसिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एम्फेटिक प्रोनाउन डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इंटरगेटिव प्रोनाउन राशि प्रोकल प्रोनाउन एंड इनडेफिनेट प्रोनाउन तो दीज आर द नेम्स ऑफ प्रोनाउन टाइप्स ऑफ प्रोनाउन तो आज हम चार करेंगे क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो लंबा हो जाएगा आपको माइंड में बिठाना भी मुश्किल हो जाएगा और आप बोर भी हो जाएंगे करके तो हम हाफ़ आज करेंगे हाफ़ हम कल करेंगे आप इसको ध्यान से सुनिए एक एक प्रोनाउन को मैं आपको थॉरली समझाऊंगी ये बेटा आपको आने वाली क्लासेस में भी काम आएंगे क्योंकि ग्रामर जो ऐसी चीज़ है इट्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर ये नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब ये सारे जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और ये ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए तो अगर एक बार ये आपके समझ आ गए तो फर्दर आपको कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट वन वी टेक पर्सनल प्रोनाउन इसकी डेफिनेशन क्या होगी पर्सनल नाम से ही पता लग रहा है पर्सनल है इट रेफर्स टू सम स्पेसिफिक पर्सन प्लेस और थिंग किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति जगह या ऑब्जेक्ट थिंग वस्तु के लिए यूज़ होता है ये पर्सनल प्रोनाउन इट रेफर्स टू सम स्पेसिफिक पर्सन place or thing now personal pronouns are of three types ab three types ke hote hain a person beta teen hote hain ek hota hai first person ek hota hai second person ek hota hai third person pehle hum baat karenge first person ke baat mein first person pronoun refers to the person speaking first person कौन होता है जो बोल रहा है इस time first person कौन है मैं हूँ क्योंकि मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं तो I एंड वी अगर मैं अकेली बोल रही हूँ तो आई फर्स्ट पर्सन हूँ अगर मेरे साथ दो तीन लोग और बोल रहे हैं तो वी हम सब क्या हैं फर्स्ट पर्सन है फॉर एग्ज़ाम्पल आई सॉ लाइन मैंने एक शेर देखा वी इन्जॉयड द मूवी हमने मूवी का मज़ा लिया तो आई एंड वी बोथ आर फर्स्ट पर्सन वी रिमेंबर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है ठीक है नाउ सेकेंड पर्सन पर नाउन रेफर्स टू द पर्सन स्पोकन टू अब सेकेंड पर्सन कौन होता है जिसके साथ बात की जा रही है अब मैं आपके साथ बात कर रही हूँ इनडायरेक्टली कर रही हूँ वैसे बात क्योंकि आपका रिस्पॉन्स तो मुझे नहीं ना मिल रहा है आप मुझे सुन रहे हो तो मैं आपके साथ बात कर रही हूँ यू तो यू क्या हुआ सेकेंड पर्सन हुआ जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं एक बोल रहा है जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है और दूसरा जो सुन रहा है उसकी बात को उसकी बात सुनने के बाद रिस्पॉन्स दे रहा है वो क्या है सेकेंड पर्सन है तो यू क्या हुआ सेकेंड पर्सन फॉर एग्जाम्पल डू यू लाइक आइसक्रीम क्या आपको आइसक्रीम अच्छी लगती है यू आर वेरी इंटेलिजेंट गर्ल तुम बहुत इंटेलिजेंट गर्ल हो तो यहाँ हमने आपने देखा दोनों सेंटेंसेस में हमने यू यूज़ किया तो यू इज़ सेकेंड पर्सन क्लियर नाउ मूव ऑन थर्ड पर्सन Third person pronoun refers to the person or thing spoken about. Third person pronoun refers to the person or thing spoken about. कौन होते हैं third person? या तो जिस person के बारे में, जिस लड़की के बारे में, जिस लड़के के बारे में, जिस एनिमल के बारे में हम बात कर रहे हैं या किसी घर के बारे में हम बात कर रहे हैं जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या हुए थर्ड पर्सन हुए अब इसके एग्जाम्पल क्या हो गए ही शी इट दे मान लीजिए मैं अरुण के बारे में बात कर रही हूँ अरुण के बारे में बात कर रही हूँ मैं आपसे अरुण के बारे में बात कर रही हूँ मैं तो हो गया फर्स्ट पर्सन आप हो गए सेकेंड पर्सन और अरुण यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो अरुण हो गया थर्ड पर्सन अरुण इज़ अ बॉय तो अरुण क्या हो गया ही मान लीजिए मैं आपके साथ अलका के बारे में बात कर रही हूँ अगेन आई एम फर्स्ट पर्सन यू आर सेकेंड पर्सन एंड अलका इज़ थर्ड पर्सन अलका इज़ अ गर्ल तो वी आर यूजिंग शी इट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पैट डॉग किसी पैट डॉग के बारे में बात कर रहे हैं मान लीजिए मिस्टर वर्मा का पैट डॉग है उसके बारे में बात कर रहे हैं तो उसका नाम शेरू है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे इट यूज़ करेंगे मान लीजिए बहुत सारे घर के बाहर बहुत सारे लोग हैं वो लड़ रहे हैं और मैं आपसे उनके बारे में बात कर रही हूँ कि वो लड़ रहे हैं तो इट मीन्स दे आर फाइटिंग और दे आर क्वरलिंग तो दे क्या हो गया थर्ड पर्सन हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल रवि सेड डिड ही हर रवि ने कहा क्या वह उससे मिला क्या वह उससे हर हर किसी कोई और लड़की की बात हो रही है गर्ल की या वुमेन की बात हो रही है कि क्या वह उससे मिला तो यहाँ हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो आई इज़ फर्स्ट पर्सन यू इज़ सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन परनाउंस द फर्स्ट टू द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट किस पर्सन या किसी थिंग के बारे में किसी एनिमल के बारे में हम बात कर रहे हैं मेरे और आपके अलावा वो क्या हुआ थर्ड पर्सन प्रनाउन हुआ क्लियर नेक्स्ट इज़ पोजेसिव प्रोनाउन पोजेसिव का मतलब होता है बेटा किसी पे अधिकार जमाना कोई चीज़ हमारी है तो हम उसको कहते हैं पोजेसिव ये चीज़ उसकी है तो ये इस पर उसका अधिकार है ये पेन आपका है इस पर आपका अधिकार है तो इसको बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन डेफिनेशन क्या है इट रेफर्स टू ऑनरशिप दैट इज समथिंग बिलोंगिंग टू समबडी ऑनरशिप का मतलब यही होता है अधिकार कि कोई चीज़ किसी की है ठीक है मान लीजिए आपके पास वाटर बॉटल है और आप कहते हो ये वाटर बॉटल मेरी है तो माइन क्या हुआ पोजेसिव प्रोनाउन हुआ ठीक है अगेन पोजैसिव प्रोनाउंस आर ऑफ थ्री टाइप्स ये भी तीन टाइप प्रकार के होते हैं तीन टाइप्स हैं इनकी और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में क्या आता है माइन मेरा जैसे फर्स्ट पर्सन में आय की बात हुई थी ना आई का मतलब मैं और पोजेसिव में हो गया मेरा तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जेस्टिव प्रोनाउ ठीक है माइन आई हो गया फर्स्ट पर्सन वो पर्सन प्रोनाउन में आ गया और ये पोजेस्टिव प्रोनाउंड में आ गया माइन मेरा फॉर एग्जाम्पल दिस बुक इज माइन दिस पेन इज माइन दिस बैग इज माइन माइन मतलब मेरा मेरा है ये सेकेंड पर्सन प्रोनाउन हो गया योर्स सेकेंड पर्सन में क्या आता था अब पर्सन प्रनाउन में आपको बताया मैंने पहले यू आता है यू का मतलब तुम या तुम सब और यहाँ सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में आ गया योर्स आपका तुम्हारा दिस बुक इज़ योर्स दिस बैग इज़ योर्स दिस पर्स इज़ योर्स ये बुक आपकी है ये बैग आपका है तो इसमें आपका अधिकार हो गया ठीक है तो ये हो गया सेकेंड पर्सन पॉजिटिव प्रोनाउन क्लियर फर्स्ट पर्सन माइंड सेकेंड पर्सन योर्स नाउ थर्ड पर्सन प्रोनाउन अब थर्ड पर्सन नेचुरली थर्ड पर्सन में वहाँ हम क्या किया था पर्सन प्रोनाउन में हमने किसी थर्ड की बात कर रहे थे किसी की किसी की बात कर रहे थे हर की हिम की हिज़ की है ना इसकी बात कर रहे थे और यहाँ पर क्या हो जाएगा हिज हिज़ का मतलब उसका हर्ज हर्ज का मतलब उसका गर्ल के लिए दियर्स देर्स का मतलब उनका ठीक है वहाँ पर दे था यहाँ पर देर्स हो गया देर्स मतलब उनका दे मतलब वे सब तो ये बेटा थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस है यहाँ पर हमारे को पता हमें पता लग रहा है कि इस चीज़ पर हमारा अधिकार है थर्ड पर्सन का मतलब है इस चीज़ पर उनका अधिकार है या उसका अधिकार है दिस बुक इज़ हर्स यह किताब उसकी है हिज कार इज़ वेरी नाइस उसकी कार बहुत सुंदर है ठीक है उसकी कार मतलब ये कार पे किसका अधिकार है किसका हक है उसकी है ये किसी और की नहीं है उस पर्सन की है किसी मेल पर्सन की है ये कार ठीक है पोजेसिव का मतलब किसी चीज़ पर हमारा आधिपत्य होना हमारा राइट होना नेक्स्ट वन इज रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन इट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस वेयर रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस अब इसमें क्या है जो रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन है वो क्या है ऑब्जेक्ट भी है जैसे आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर माई सेल्फ का मतलब होता है खुद को मैंने किसको ऑब्जेक्ट क्या हुआ खुद को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर मैंने खुद को शीशे में देखा शी बेक्ड अ केक हर सेल्फ उसने खुद शी हर सेल्फ उसने खुद केक बनाया तो बेटा इसमें क्या होता है शी हर सेल्फ ही हिम सेल्फ दे देम सेल्फ यू योर सेल्फ इट इट सेल्फ ठीक है इसमें रिफ्लेक्सिव प्रनाउन ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा होता है शी बेक दक हर सेल्फ उसने खुद केक बनाया ठीक है जो सब्जेक्ट है वो वापिस ऑब्जेक्ट के से ही मिलता जुलता होता है अब उसने कहा है ना आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर आई सॉ का मतलब है मैंने देखा किसको देखा किसकी बात हो रही है मेरी खुद की बात हो रही है तो मैं ऑब्जेक्ट भी हो गया मैं सब्जेक्ट भी हूँ आई सब्जेक्ट हो गया और मैं ऑब्जेक्ट भी हूँ माई सेल्फ किसको देखा खुद को ही देखा शी सॉ हर सेल्फ इन द मिरर उसने देखा शी शीर्षो देखा किसको देखा हर सेल्फ खुद को ही देखा तो इसमें रिफ्लेक्सिव में हर सेल्फ इट्स सेल्फ योर सेल्फ देम सेल्स ये सारे यूज होते हैं ठीक है उसके बाद है एम्फेटिक प्रोनाउन ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से मिलते जुलते ही हैं इसमें क्या होता है इट एम्फेसाइजेज अ नाउन और अ प्रोनाउन इट प्रोव्स मोर इम्पॉर्टेंस टू अ सेंटेंस इट प्रोवाइड्स मोर इम्पॉर्टेंस टू अ सेंटेंस ये सेंटेंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है कैसे देती है अब उसमें क्या था वर्ब के बाद क्या किया था जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हुआ था सब्जेक्ट के साथ यूज़ नहीं हुआ था इसमें क्या होगा बिल्कुल साथ में यूज़ होगा सब्जेक्ट के जैसे उसमें फ्लैक्सी प्रनाउन में क्या था आई सौ उसके बाद यूज हुआ माई सेल्फ आई सॉ माई सेल्फ या एंड में भी माई सेल्फ लग सकता था या बीच में भी लग सकता था लेकिन एम्फेटिक प्रनाउन में क्या होगा सब्जेक्ट के साथ ही एम्फेटिक प्रनाउन यूज हो जाएगा कैसे जैसे आई माई सेल्फ विल डू इट आई माई सेल्फ विल डू इट मैं खुद इसे करूंगा अब इसमें स्ट्रेस किसको दिया हुआ है माई सेल्फ को दिया हुआ है खुद को सब्जेक्ट को ही स्ट्रेस दिया हुआ है, सब्जेक्ट को ही इम्पोर्टेंस दी हुई है कि मैं खुद ही ये काम कर लूँगा तो इमीजिएट सब्जेक्ट के साथ लगा हुआ है ये ही हिम सेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिचुएशन वो खुद ही इस सिचुएशन का जिम्मेवार है वही उसको वही इस बात का कारण है उसी के कारण ही ऐसी स्थिति ऐसी सिचुएशन आई है तो इसमें क्या होगा सब्जेक्ट के साथ ही लग जाएगा हिम सेल्फ इट्स सेल्फ आई का माई सेल्फ यू का योर सेल्फ शी का हर सेल्फ दे का देम सेल्फ इट का इट्स सेल्फ सबके साथ सेल्फ लग जाएगा ठीक है सिंगुलर है तो सेल्फ और अगर प्लूरल है जैसे देम है देम प्लूरल है उनका देम उनका देम का मतलब होता है उनका तो देम बहुत सारे हुए ना वो तो उनके साथ सेल्व्स लगेगा देम सेल्व्स एस ई एल वी ई एस आपको एक चार्ट भी दे देंगे उसमें सारा लिखा होगा ही किस में चेंज होगा इट किस में चेंज होगा यू किस में चेंज होगा तो आपको ईजी हो जाएगा तो बेटा आज के लिए इतना ही तो आई होप आपको समझ आ गया होगा आपको सिर्फ क्या करना है समझना है कि प्रोनाउन है क्या और प्रोनाउन जो होते हैं आई वी यू दे इनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए कि इनका अर्थ क्या है ठीक है और उनके जो टाइप्स हैं वो आपको फोर टाइप्स आज बता दी हैं बाकी की कल बताएंगे क्योंकि लंबा चैप्टर हो जाएगा नहीं तो तो इसीलिए आज इतना ही करवाया है आपको अब बेटा आपके गूगल क्लासरूम में एक असाइनमेंट डालेंगे हम उस असाइनमेंट में आपने क्या करना है उसमें सिर्फ पिक्चर्स हैं आपको मज़ा आएगा वो करने में आपको उस पिक्चर्स को देख के उसके आगे अप्रोप्रिएट प्रनाउन लिखने हैं जितना आपको पढ़ाया है ना इसी से रिलेटेड अप्रोप्रिएट प्रनाउन आपको अपने पास कहीं पर भी आप चाहे अपनी कोई डायरी है चाहे रफ नोटबुक है आप उसको जनरली नोट कर लेंगे तो कल के वीडियो में पहले मैं उनके आंसर्स आपको बताऊंगी ताकि आपको पता लगे कि हाउ मस्ट यू अंडरस्टैंड वेदर यू आर एबल टू डू प्रोनाउन्नाउन्स और नॉट ठीक है तो वो पिक्चर्स आपको सेंड कर दी जाएंगी गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट के तौर पर तो वो आपको देख के आपको सिर्फ वहाँ पर अपनी नोटबुक में फेयर नोटबुक पे नहीं बेटा आप रफ में नोटबुक में या कोई छोटी मोटी डायरी है आपके पास उसमें आप लिख अपनी नॉलेज के लिए लिख लीजिए फिर कल के लेक्चर में पहले हम उसके आंसर डिस्कस करके ताकि आपको पता लगे कि आपको कितना समझ आ गया है और ऑनेस्टली आप उसको टिक करेंगे कि आपके कितने ठीक हैं और कितने गलत हैं ठीक है उसके बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे इसके आगे के टाइप्स ये आपका थर्ड यूनिट है प्रैक्टिस uh, बुक में प्रोनाउन का छोटा सा यूनिट है जल्दी हो जाएगा आपको इसलिए पहले करवा रहे हैं प्रोनाउन के बारे में ताकि जो यूनिट है यूनिट की जो एक्सरसाइज हैं जो वर्कशीट्स हैं यू कैन अटैम्प्टैम वेरी इजीली तो ये जो टॉपिक है ये आपको आगे तक काम आएगा सो आई होप कि आप सब इसको थॉरली पढ़ेंगे अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है यू कैन कॉल मी एनी टाइम क्योंकि आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैम के साथ अटैच हो गए हैं तो आप सबको पता लग जाएगा आप कोई भी मैस आप मैसेज दीजिए आपकी कोई भी प्रॉब्लम है अगर आप दोबारा चाहेंगे कोई भी प्रनाउन इसमें से अगर आपको कोई दोबारा पूछना है तो आई कैन रिपीट इट अगेन ठीक है बेटा टेक केयर एंड रिवाइज ऑल दीज टाइप्स थॉरली थैंक यू